डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजू हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखो, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्लियर है? या इसको आप ऐसे ले सकते हो, एच न्यू माइनस न्यू नोट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इस इक्वेशन के बेसिस पे हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो रूल्स हैं, फोर रूल्स हमने डिस्कस किए थे, उनको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है? तो रूल फर्स्ट था, देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज हमने पढ़े थे, उसमें फर्स्ट रूल था कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट तभी होते हैं जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा होगी, तो ही मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। मतलब ये है, देखो डायग्राम बनाते हैं, मेटल सरफेस है, इस पे फोटोन आया, इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू, तो उसकी एनर्जी हो जाएगी एच न्यू, और इस मेटल का वर्क फंक्शन है एच न्यू नोट। क्लियर है भाई? वेयर न्यू नोट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ये फोटोन इस पर आएगा और इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू, हियर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एंड न्यू नोट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो न्यू की जो वैल्यू है न्यू नोट से बड़ी होगी, तो ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। देखो कैसे, इधर देखो, इस इक्वेशन से अपनी कोई कहानी क्लियर हो जाएगी। देखो अगर ये फ्रीक्वेंसी इससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो ये जो अमाउंट है न्यू माइनस न्यू नोट, ये पॉजिटिव आएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई, तो देखो इसमें से जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने का मतलब इस केस पे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो मास कभी नेगेटिव नहीं होता है, वेलोसिटी हो सकता है बट उसका स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो इस इक्वेशन से हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुई तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब उस केस में इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, और यही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का रूल फर्स्ट है। तो फर्स्ट रूल क्लियर हो गया इस इक्वेशन से। सेकंड रूल क्या है, देखो हमने पढ़ा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेकंड रूल ये था कि जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती थी। तो इस इक्वेशन से भी आप देख सकते हो, जैसे ही फ्रीक्वेंसी न्यू इंक्रीज होगी, देखो जैसे ही फ्रीक्वेंसी न्यू को हम इंक्रीज करेंगे इसको, तो ये इंक्रीज होते ही ये भी इंक्रीज होगी, बिकॉज एच और न्यू नोट हैं ये तो कॉन्स्टेंट होते हैं। तो सेकंड रूल भी यहाँ से क्लियर हो चुका है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। ओके, सेकंड रूल, थर्ड रूल ये था कि जो काइनेटिक इंटेंसिटी को जब हम चेंज करते हैं इंटेंसिटी को, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अनचेंज रहती है वो। तो इस इक्वेशन से भी देखो, जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है, बिकॉज इस फॉर्मूले में कहीं पर भी इंटेंसिटी नहीं है। तो रूल थर्ड है, ये भी अपना क्लियर हो चुका है। रूल फोर क्या था, देखो वहां पे रूल फोर ये कहता था कि जैसे ही मेटल सरफेस पर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाता है, उसमें कोई टाइम डिले नहीं होती है। तो इसको देखो आइंस्टीन ने कैसे एक्सप्लेन किया, तो आइंस्टीन का ही कहना था कि एक फोटोन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, ना कि सबसे। तो एक फोटोन आता है और वो एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे देता है, जिसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के तुरंत वहां से एमिट हो जाता है, उसमें कोई टाइम डिले नहीं होता है। तो ये सारे जो रूल थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के, वो आइंस्टीन ने अपनी इक्वेशन की हेल्प से सबको समझाया। तो ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लियर है भाई? तो पहला एक्सप्लेनेशन यही है कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, बिकॉज उस केस में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम नेगेटिव आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेकेंड ये कहना है
कि जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ये सेकेंड रूल था, उसको भी एक्सप्लेन कर दिया इस इक्वेशन ने। थर्ड रूल ये था वहाँ पे कि इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। रूल फोर है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस, सॉरी, जैसे ही सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट या फोटोन मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से तुरंत एमिट हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई एक फोटोन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है और अपनी एनर्जी, पूरी एनर्जी इसी इलेक्ट्रॉन को देगा जिससे वो तुरंत वहाँ पर एमिट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये थे एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल किस टाइप के होंगे उनको डिस्कस कर लेते हैं।